दोस्तों, रावण ने अपने अंत समय में स्त्रियों के बारे में जो तीन मुख्य बातें बताई थी, वे आज सच साबित हो रही हैं। कड़वी हैं, परंतु सत्य हैं। रावण ने जो कुछ भी कहा था, उसे आप देख सकते हैं। आप सभी ने रामायण की कहानी तो सुनी ही होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण ऐसा व्यक्ति था जिसने माता सीता का हरण कर भगवान श्री राम से दुश्मनी मोल ली थी। पूरी दुनिया रावण को एक बुरे व्यक्ति के रूप में याद करती है, पर क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान श्री राम से भी अधिक ज्ञानवान था? लेकिन हाँ, उसने माता सीता का हरण करके एक गलत कदम उठाया था। हालांकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी सहनशीलता के कारण ही सीता जी की मर्यादा बनी रही। रावण ने माता सीता के साथ कभी अनुचित व्यवहार करने की कोशिश नहीं की। हम यहाँ रावण को अच्छा नहीं कह रहे हैं, बल्कि केवल यह बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक गलती के कारण उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में तीन बातें बताई थी। पहली बात यह थी कि स्त्रियां एक दूसरे की बुराई करती हैं। यदि उन्हें कोई गोपनीय बात पता चल जाए तो वे उसे छुपा नहीं पाती और हर जगह फैलाने का प्रयास करती हैं। रावण की इस बात में कुछ सत्यता देखी जा सकती है। दूसरी बात जो रावण ने बताई थी वह यह थी कि स्त्रियां स्वार्थी हो सकती हैं और अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे किसी को धोखा देना पड़े या किसी से समीपता बढ़ानी हो। रावण की इस बात से कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, जबकि कुछ इसे नकार सकते हैं। तीसरी बात जो रावण ने कही थी वह यह थी कि स्त्रियां अपनी बात से जल्दी पलट जाती हैं और सत्य पर अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती। उनकी इस प्रवृत्ति के कारण उन पर अविश्वास किया जाता है। रावण का मानना था कि स्त्रियां इधर की बात उधर अधिक करती हैं, जिससे लोगों के बीच विवाद हो सकता है। इन बातों को दैनिक जीवन में परखा जा सकता है और यह विचार रावण द्वारा बताए गए सत्य की एक झलक हो सकते हैं।